दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नोवा NST 1052 बीएड ट्रिमर। काफ़ी लोगों ने मेरे से डिमांड की थी कि भाई 1052 का एक हमें रिव्यू दे दीजिए, तो आज हम इस ट्रिमर का फुल डिटेल रिव्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बॉक्स को ही खोल लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बॉक्स को खोलने में। ये तो मैं हाथ से ही खोल देता हूँ भाई। ये है दोस्तों मेन मशीन हमारी, तो इसे भी रख लेते हैं साइड में। तो ट्रिमर के अलावा दोस्तों सबसे पहले बॉक्स में आपको ये चार्जिंग केबल देखने को मिलेगी, इसके अलावा आपको बॉक्स में कॉम देखने को मिल जाएगा, और ये एक क्लीनिंग ब्रश है इसमें, और ये आपकी एक ऑयल कैन देखने को मिलेगी। तो बस बॉक्स के अंदर आपको इतना ही कुछ देखने को मिलता है, ठीक है जी। अब बात करते हैं हम मेन मशीन की। तो दोस्तों फाइनल हमारा ट्रिमर कुछ इस तरीके का निकलता है इस बॉक्स में से, और अगर मैं इसके लुक की बात करूँ तो 600 रुपए के हिसाब से काफ़ी बढ़िया लुक लग रहा है मुझे। बॉडी की बात करूँ तो टोटल जो बॉडी है इसकी पूरी प्लास्टिक की है, और जो इसका कलर है ये ब्लैक कलर है। आपको मैं बता देता हूँ, इसमें आपको एक कलर वेरियंट और मिलता है जो कि आपका ब्लू और ब्लैक का कॉम्बिनेशन आता है। उसको अगर खरीदोगे वो आपका 100 रुपए महंगा पड़ जाएगा, तो उसको कोई खरीदने की जरूरत नहीं है। ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो दोस्तों अगर सबसे पहले मैं इस ट्रिमर की बात करूँ तो आपको सबसे ऊपर एक अटैचमेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको जैसे कि मैंने बताया था बॉक्स में भी एक आपको अटैचमेंट देखने को मिल जाता है, तो आपको इसमें टोटल दो अटैचमेंट देखने को मिलेंगे। बीच में आप देख सकते हैं आपको यहां पर एक कॉम दिया हुआ है, इसकी हेल्प से आप जो इसकी लेंथ की सेटिंग है उसे एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे की तरफ देखेंगे तो यहां पर आपको एक स्लाइडर बटन देखने को मिलेगा जिसकी हेल्प से इसको ऑन कर पाओगे, और ये जो स्लाइडर बटन है मुझे भाई काफी अच्छा लग रहा है। काफी मतलब जो महंगे महंगे ट्रिमर आते हैं उनमें कुछ इस तरह के आपको बटन देखने को मिलेंगे, काफी प्रीमियम टाइप का है, और इसका जो क्लिक रेस्पॉन्स है वो भी मुझे काफी अच्छा लगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक बार ऑन करके दिखा देता हूं आपको। नीचे की तरफ की बात करूं दोस्तों तो यहां पर आपको एक चार्जिंग इंडिकेशन लाइट दी हुई है, जब आप इसे चार्जिंग पर लगा देंगे तो इसमें आपको एक नीले कलर की लाइट दिखाई देगी, और बॉटम साइड में आपको कुछ इस तरीके का इसमें फीमेल चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है, इसकी हेल्प से आप इस ट्रिमर को आप चार्ज कर सकते हैं। पीछे की साइड में देख सकते हैं कुछ इस तरीके का लुक देखने को इसमें आपको मिलेगा। चलिए दोस्तों अब मैं बात करता हूँ इस ट्रिमर के कुछ फीचर्स के बारे में। तो अगर मैं सबसे पहले बता देता हूँ, इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब टोटल इसमें जितने भी ज़रूरत के फीचर्स होते हैं जो 800-900 रुपए के ट्रिमर में आपको देखने को मिलेंगे वो सारे इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ उसके फीचर्स के बारे में, तो ये जो ट्रिमर है आपका 40 लेंथ सेटिंग के साथ देखने को मिलेगा, जो कि इन दो कॉम की हेल्प से आप इसमें इसकी जो 40 लेंथ सेटिंग है इसको एडजस्ट कर पाएंगे। 0.5 से 20 mm तक बीयर ट्रिम कर सकते हो, जो ट्रिमिंग रेंज दी हुई है। इसके अलावा इसमें आपको 500 mAh की बैटरी मिल जाएगी, जो कि कंपनी क्लेम करती है कि 2 घंटे के फुल चार्ज में ये आपको 1.5 घंटे का बैटरी बैकअप दे देगी। तो भाई 2 घंटे के फुल चार्ज में मैं तो कह रहा हूँ 1 घंटे का भी बैटरी बैकअप दे दे तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये जो ट्रिमर है कॉर्डेड एंड कॉर्डलेस टेक्नोलॉजी के साथ आता है, यानी कि आप इसे चार्ज के बाद भी यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट अपना बोर्ड से प्लग करके भी इसे यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर चार्जिंग का इतना हेडेक नहीं है इसमें। बात करूँ मैं अगर इसके ब्लेड की तो देख सकते हैं आप, इसमें आपको स्टेनलेस स्टील का ब्लेड देखने को मिलेगा, और खोलने का तो मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको, कुछ इस तरीके से ऐसे करके और इसे ऊपर की तरफ उठा देना तो खुल भी बहुत आसानी से आता है। बाकी आप लगाना भी बहुत आसान है यार, कुछ इस तरीके से इसको करके और ऐसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों टोटल ओवरव्यू की बात कर ली हमने, फीचर्स की बात कर ली, बिल्ड क्वालिटी की बात कर ली, अब जो मेन चीज आती है वो आती है हमारी परफॉर्मेंस के बारे में। तो चलिए फाइनल दोस्तों अब इससे थोड़ी सी हम बीयर्ड सेट करके देख लेते हैं कि किस तरीके की ये बीयर्ड को सेट करेगा। बाकी मैं आपको बताऊंगा ओवरऑल लास्ट में कंक्लूजन कि ये ट्रिमर कैसा है, ठीक है जी। वैसे तो बढ़िया है, मैंने देख लिया है ये ट्रिमर। अब फाइनल बियर एक बार ट्रिम कर लेते हैं जी।
भाई इतनी देर तक मैंने इस ट्रिमर को ऑन करके रखा है, और अगर मैं हीट की प्रॉब्लम की बात बताऊं तो ये बिल्कुल भी हीट नहीं हुआ है। मेरे को बिल्कुल भी परेशानी नहीं इससे बियर्ड ट्रिम करने में, सही बता रहा हूँ मैं आपको। अगर बात करूँ तो बिल्कुल भी इसने बिल्कुल भी स्किन पर बाल खींचे नहीं है, या बिल्कुल भी जो कट लगते हैं एक आप भी देख सकते हैं, कोई भी कट नहीं लगाया है इसने, और काफ़ी अच्छी तरह से ट्रिम किया है। काफ़ी इम्प्रेस हो गया हूँ मैं इसकी परफॉर्मेंस से। तो भाई मैं तो इससे ट्रिमर को यूज करने वाला हूँ प्राइमरी ट्रिमर की तरह, क्योंकि मेरे को काफ़ी अच्छा लगा है ये। बॉडी ग्रूमिंग के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बढ़िया तरीके से ये बाल को काट रहा है, तो इसमें आपको बॉडी के हेयर रिमूव करने में भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है इस ट्रिमर से। तो दोस्तों अगर ओवरऑल मैं बात बताऊं तो आप देख सकते हैं अभी लुक, अभी मैं फेस वॉश करके आ गया हूं। और अगर आप एक बजट ट्रिमर देख रहे हैं 500 रुपये तक का भी अगर आपका बजट है, तो मैं भाई स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा आपको कि ये जो नोवा का 1052 ट्रिमर है काफ़ी शानदार निकला है। मैं तो हल्के में ले रहा था भाई पहले इस ट्रिमर को, इसलिए मैंने ये मंगाया नहीं था, बट काफ़ी ज़बरदस्त ट्रिमर निकला है ये, मेरे को काफ़ी पसंद आया भाई। सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि 600 रुपये में मिल जाए तो झपट्टा मार लेना, ठीक है। जो बस मुझे एक चीज़ इसमें थोड़ी सी हल्की कमी लगी है वो इसका ये जो व्हील दिया हुआ है ये थोड़ा सा इसमें वो जो क्लिकेबल साउंड आता है ना वो नहीं है, थोड़ा सा वैसे ही रफ सा साउंड है इसका, क्लिकेबल साउंड नहीं है। मतलब एक क्लिकेबल साउंड होता है, बट इससे बस कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। ट्रिमर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी, डिजाइन, लुक वाइज सब कुछ अच्छा है। तो दोस्तों बस उम्मीद यही करता हूँ, अगर थोड़ी बहुत भी अगर आपको हेल्प मिली हो इस वीडियो से तो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए रखें अपना ख्याल। जय हिंद।